हाँ, ये देखिए चंदौली में कार्यक्रम हो रहा है और आपके इलाके का एक ऐसा रचनाकार जो अभी अभी मेरठ में जिसे बुला करके सम्मानित किया गया, उसके एक गीत के लिए उसने अपने जनपद का गौरव बढ़ाया है, सुरेश अकेला भाई, सुरेश अकेला इस मंच पे हैं जो चंदौली के लिए, सोचिए, आपके क्षेत्र का गौरव गान गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसी जनपद चंदौली के गौरव गान से इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाया जाए। भाई सुरेश अकेला जी माइक तक आए। सर्वप्रथम समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। समक्ष बैठे मेरे अग्रज परमादरणीय सद्धे सांसद जी, आदरणीय विधायक जी देवेंद्र भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ रखने का अवसर है। एक दो मुक्तक और फिर वो चंदौली जनपद में चंदौली हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय सांसद जी और विधायक जी के समक्ष ये पंक्तियाँ मैं सुनाने जा रहा हूँ। आदरणीय मोनू भाई हैं, बड़ी हस्तियाँ हैं, मैं सीधे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। दमदार भाई प्रभु राम की बात कर रहे थे, मैं एक मुक्तक देता हूँ। जब प्रभु राम माता सीता के साथ जंगल में जाते हैं, माता सीता उन्हें एक टक देखे जा रही हैं, प्रभु राम कहते हैं कि सीते आप कुछ कहना चाहती हैं? माता सीता कहती हैं, हाँ प्रभु मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कहो। जो उन्होंने कहा मैं चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ और उस गीत तक जाता हूँ। स्वागत कि तुम बसे हो प्रभु मेरी हर सांस में। बहुत बढ़िया, वाह। तुम बसे हो प्रभु मेरी हर सांस में, कामना है रहो तुम मेरे पास में। तेरे दर्शन से वंचित न हो जाऊं मैं, आ गई तेरे संग मैं भी वनवास में, आ गई तेरे संग मैं भी वनवास में। बहुत बढ़िया। कि जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जहर जिंदगी का पिया ही नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह। उसको क्यों ना जमाना भुला ए भला, काम ने की का जिस ने किया ही नहीं, काम ने की का जिस ने किया ही नहीं। एक बात कि अब यहां अजीब मंजर दिखाई देता है। हाँ, अब यहां अजीब मंजर दिखाई देता है, पैसों का खेल संसद के अंदर दिखाई देता है। क्या बात है। बचा लो लोकतंत्र की आबरू यारों, रक्षकों के हाथ में अब खंजर दिखाई देता है। वाह 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 वाह। तब मैं कहता हूं हमारा ग्रंथ ये दुनिया में सबसे न्यारा है। वाह। हमारा ग्रंथ ये दुनिया में सबसे न्यारा है, इससे मिलता हमें मजबूत एक सहारा है। क्या बात। हमारी हैसियत है आज जिसकी बदौलत, हमारा संविधान जान से भी प्यारा है, हमारा संविधान जान से भी प्यारा है।
क्या बात। और अंतिम मुक्तक, उसके बाद गीत। हिना गुफनियों को यहाँ हम नहीं फलने देंगे। क्या बात, नाग हमारी जिम्मेदारी है ये। नागफनियों को यहाँ हम नहीं फलने देंगे, चाल दुश्मन के यहाँ हम नहीं चलने देंगे। प्यार का एक गुलस्ता है ये भारत अपना, आग नफरत के यहाँ हम नहीं जलने देंगे, आग नफरत के यहाँ हम नहीं जलने देंगे। और वो गीत जिसको बहुत शिद्दत से मैंने लिखा है, पूरे चंदौली का दर्शन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने सच्चाई लिख दी तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि धान कहूं मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बोली हूं, धान कहूं मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बोली हूं, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। बहुत अच्छे, वाह। धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, 16 अगस्त 1942 और 28 अगस्त 1942 हमारे जनपद के लिए ऐतिहासिक दिन था, उस बात का जिक्र। कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया, स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद, मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद, मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद, मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो, मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो, गंगा तट पे नरौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। दूसरा दृश्य जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारा जनपद जाना जाता है, कि चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है, चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है, राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है, राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है, जागेश्वरनाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है, कालेश्वरनाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है, लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है, लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और अगली पंक्तियां बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने लिखा, मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशा के, मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशा के संगम पास धरौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूं। और एक महत्वपूर्ण दृश्य देखें, कि दीन दयाल स्मृति उपवन औदत है पहचान मेरी,
लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी, लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। और जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा तो यह गीत अधूरी हो जाएगी। किना राम की तपोभूमि और बुद्ध का लिए इतिहास हूं मैं, किना राम की तपोभूमि और बुद्ध का लिए इतिहास हूं मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूं मैं, पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूं मैं। जहां सजा है बाग दयाल का देखो, जहां सजा है बाग दयाल का देखो, पावन धरा रमौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। और अंतिम दृश्य क्या बात, और इस जनपद की महान विभूतियों का जिक्र, स्वागत है। कला सहित संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है, विद्याधरी कैलाश नामवर गिरिजा का ये घराना है, विद्याधरी कैलाश नामवर गिरिजा का ये घराना है। कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सासु हूं मैं, राजित प्रसाद यादव जिन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह दिया, उनकी सोच से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं। कि कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सास हूं मैं, जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूं मैं, जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूं मैं। मैं सींच रही हूं इस उपवन को गंगा धारा भूपौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।